अभी हम आ चुके हैं ओरछा। बहुत ही शानदार जगह है ये। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं चहल पहल कितनी मची हुई है। अभी नवरात्रि के दिन है तो चहल पहल अभी है। अभी 12:30 बजे आरती का टाइम होने वाला है, किसी ने हमको बताया, तो आरती में शामिल होने के लिए चलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कैमरा शायद अलाउड नहीं है, तो इसको देखना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा, बताते हैं फिर। अभी लाइन में लगना पड़ेगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे मोबाइल ले जाना अंदर मना है और सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जुर्माना भी है और 3 साल की कैद है, इसलिए आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाया। दर्शन अच्छे से हुए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, थोड़ी भीड़ थी। अब हम जा रहे हैं हरदौल लला के दर्शन करने के लिए। अब देख ही रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, फूल माला बेच रहे हैं। यहाँ की हवा में ही लगता है कि भक्ति बसी हुई है। इसको सावन वादों के खंभे बोलते हैं। चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई है। हमने प्रसाद ले लिया है वहाँ से। बड़ी तपस्या के बाद ये बाबा का वरदान आपके बीच में लेकर आए हैं, काले घोड़े की नाल की अंगूठी। यहाँ मेला लगा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं हरदौल लला के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, बेसहारा गरीब लोग बैठे हुए हैं। और एंटर करने जा रहे हैं हरदौल लला के दर्शन करने के लिए। सब लोग यहाँ पे बैठ कर खाना पीना। ये आप देख पा रहे हैं हरदौल लला की मूर्ति है। ये देखिए हरदौल लला का दरबार। यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देख लगता ही नहीं कि कोरोना है, यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम आ गए हैं कंचना घाट, इसको कंचना घाट बोलते हैं। यहाँ पर महल बने हुए हैं ओरछा के। और देख रहे हैं आप बेतवा नदी का विहंगम दृश्य। देखिए नदी का फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है।
वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा फ्लो ज़्यादा है। और आप सामने देख रहे हैं ओरछा सेंचुरी, इसमें अभी जाएंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। मुझे ऐसी जगह ही अच्छी लगती है।